आयुष्मान खुराना की इस साल की चौथी फिल्म बाला 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद भी फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। आयुष्मान की फिल्म को दर्शकों द्वारा अभी भी खूब पसंद किया जा रहा है। लगातार बॉलीवुड में 6 हिट फिल्में देने के बाद आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए अब एक और खुशखबरी सामने आई है। वो अपने फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, जिन्होंने खुद आयुष्मान को फिल्म में लेने की पहल की है। तो आइए जानते हैं कौन है ये डायरेक्टर। आयुष्मान खुराना इस साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे हिट एक्टर की लिस्ट में नंबर वन पर है। जी हां, आयुष्मान खुराना की 4 फिल्में रिलीज हुई। यंग स्टार को छोड़िए, बिग स्टार तक की इस साल 4 फिल्में रिलीज नहीं हुई और ना ही सुपरहिट हुई। अगर अक्षय कुमार को छोड़ दे तो इस साल सिर्फ अक्षय कुमार इकलौते स्टार है जिनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ने ही 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। वहीं आयुष्मान खुराना की भी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। अब आयुष्मान खुराना हिट की गारंटी बन चुके हैं और उन्होंने इस साल देश के नंबर वन ब्रांड एम्बेसडर का टाइटल भी अपने नाम किया है। यही कारण है कि उनकी फीस में भी उन्होंने इजाफा कर लिया है। अब वो एक फिल्म के लिए 11 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जबकि पहले आयुष्मान खुराना एक फिल्म के लिए 5 करोड़ चार्ज कर रहे थे। लेकिन हिट पर हिट फिल्म देने के बाद आयुष्मान खुराना एक फिल्म के लिए 11 करोड़ रुपए ले रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना के पास बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग फिल्म मेकर्स के ऑफर आ रहे हैं। निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब करण जौहर भी उनके साथ फिल्म करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयुष्मान खुराना धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में एंट्री हो सकती है। बॉलीवुड के फेमस निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म लास्ट स्टोरीज को ना कहने के बाद आयुष्मान को एक बार फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला है। वैसे हम आपको बता दें कि आयुष्मान के मना करने के पहले द लास्ट स्टोरी में विकी कौशल को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन आयुष्मान उस समय किसी और फिल्म पर काम कर रहे थे। लास्ट स्टोरी में परफॉर्मेंस इशू के चलते उन्होंने इसे काम करने से मना कर दिया था। अब खास बात यह है कि आयुष्मान के साथ करण जौहर एक रोमांटिक स्टोरी बेस्ड फिल्म बनाना चाहते हैं और ये पहला मौका होगा जब वो करण जौहर के साथ फिल्म में काम करेंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई आयुष्मान खुराना करण जौहर के बैनर तले बनने वाली फिल्म में नजर आते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।